हेलो फ्रेंड, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप लोग कैसे हो फ्रेंड? तो आज का हमारा नया वीडियो स्टार्ट हो गया बनाने के लिए, और मैं अपने वाइफ यानी वंदना जी के साथ वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया हूँ। तो आज के ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। तो आप लोग देख सकते हो वंदना जी कर क्या रहे हैं, क्या कर रहे हो जी? कुछ नहीं, तो बोलो ना का है, कोई से बताओ तो। खाली वीडियो बनाओ, कल का हूँ। फाइनली फ्रेंड, आज हम कल हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट दिन है, वो दिन आप लोग के लिए और आप लोग के लिए तो शायद बात पता है कि नहीं पता, लेकिन हम लोग के लिए बहुत खास दिन है। यानी कि मैं आप लोग को भी नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि अभी बता दूंगा तो आप लोग जल्दी चले जाओगे। तो जो दिन कल है, वो दिन का हम लोग को बहुत ज़्यादा इंतजार था, बहुत बेसब्री से। और मैं बता दूँ फ्रेंड, मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और फ्रेंड, उस दिन मैं वंदना जी से कुछ चाहूंगा बोलने के लिए, दो सब कि वो बोले तक कुछ, के लिए मेरे लिए कुछ भी नहीं लाए हैं। अब आप लोग बताइए, मैं इनसे बात करूं कि ना करूं, मैं बात बात नहीं करना चाहती इनसे। फ्रेंड, मैं इनके लिए बताओ क्या लेके आऊं यार, मैं फाइनली बता दूं फ्रेंड। कल हमारा है कि कौन सा एनिवर्सरी है, क्या था याद भी नहीं है। कल फ्रेंड हमारी 8वीं एनिवर्सरी है, और हम वंदना जी के लिए कुछ खास गिफ्ट कर लाने वाले हैं। और आज कुछ नहीं लाते हैं, किसी भी एनिवर्सरी में कुछ भी गिफ्ट नहीं लाते हैं मेरे लिए। बस खाली चूतिया बनाते हैं कि पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा, ये नहीं कर पाऊंगा, वो नहीं कर पाऊंगा, और कुछ भी नहीं लाते हैं। आप लोगों को पहले बता दी फ्रेंड, मैं कल लाऊंगा। बट आप लोग, इनको तो याद भी नहीं था कि एनिवर्सरी है, बट मैंने बताया इनको कि है। हमें नहीं आता नहीं, हमें नहीं आता, झूठ बोल रहे हो फ्रेंड। मैं कल सोच रहा हूँ वंदना जी के लिए कौन सा गिफ्ट लाऊं, आप लोग कमेंट में जरूर बताना यार। कमेंट में बताइएगा कि मुझे कहीं होटल पे ले जाना चाहिए कि नहीं ले जाना चाहिए, मुझे कुछ खिलाना चाहिए कि नहीं खिलाना चाहिए। अगर ये मेरे हस्बैंड सच्ची में है तो इनको मुझे ओनियन पनीर डोसा खिलाना चाहिए कि नहीं खिलाना चाहिए, मुझे कहीं होटल पे ले जाना चाहिए कि नहीं ले जाना चाहिए। कौन सा पनीर डोसा? ओनियन पनीर। फ्रेंड, ओनियन पनीर डोसा इनको अच्छा लगता है, बट हमें भी अच्छा लगता है, लेकिन पैसे की वजह से थोड़ा देखता हूं। आप लोग देख लिए आप लोग देख लिए ना, ऐसे ही होता है माय एनिवर्सरी में। क्यों? और पिछली बार तो मैं इतना धूमधाम से मनाया था, पूरा रूम सजाया था। अगले पिछली फ्रेंड 8वीं एनिवर्सरी में सिर्फ मैं एक एनिवर्सरी एक नहीं मनाया था, 5वें में मनाए थे। हां, छठवां छोड़ दिए थे, अब की बार सातवां है। अब की सातवां एनिवर्सरी है फ्रेंड, तो हम चाहते हैं कि कल इनके लिए कुछ खास करें। और खास क्या करें, मेरे दिमाग में नहीं काम कर रहा यार, क्या हाँ, करें। तो आप लोग देखें, इनका दिमाग नहीं काम कर रहा, तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मुझे कहीं होटल पे ले जाना। फ्रेंड यार, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप लोग से यार, कुछ पैसे की मदद कर दीजिए यार, क्योंकि कल मैं इनके लिए कुछ लाऊं नहीं, मेरा सर फोड़ देंगे मार मार के, सही बता रहा हूँ। बताइए, शादी के दिन तो बहुत खर्चे किए थे, और आप जब एनिवर्सरी आती है तो खर्चा करने से डर। फ्रेंड, मैं बहुत गरीब हूँ यार, और आप लोग मेरा थोड़ा सपोर्ट करिए, क्योंकि वंदना जी का कल मैं, गरीब क्यों ना है भाई, सुनो तो, कल मैं वंदना जी का एनिवर्सरी हो, कल इनके लिए मैं कुछ खाने पीने के लिए चीज लाऊं, जिससे देख सकते हो कितना ज्यादा गुस्सा हो रहे हैं। तो फ्रेंड देखते हैं यार कल क्या करते हो, और आज का वीडियो यहीं तक रहेगा, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। और आप लोग एनिवर्सरी विश करना मत भूलिएगा, और बाय बाय। जाओ बंद करो।